अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है रैम एंड रॉम। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है रैम एंड रॉम। तो उसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रैम की फुल फॉर्म क्या है। तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि यहाँ पे मेंशन करी हुई है। देन रॉम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी और रॉम की फुल फॉर्म हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। तो आपका एक पॉइंट हो गया। देन उसके बाद ये दो पॉइंट है, क्योंकि मुझे ये सिमिलर लगते हैं तो मैंने इनको कंबाइन करके लिख दिया है कि जो रैम है आपकी वो टेम्प्रेरी स्टोरेज है, वॉलेटाइल है, और जो रॉम है वो आपकी परमानेंट स्टोरेज है और नॉन वॉलेटाइल है। तो ये वॉलेटाइल या टेम्प्रेरी स्टोरेज का क्या मतलब है? वॉलेटाइल या टेम्प्रेरी स्टोरेज का मतलब ये है कि वो तब तक आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर है जब तक आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट होगी वैसे ही आपका डाटा लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर कोई एप्लीकेशन रन हो रही है, जैसे आपने वर्ड खोला हुआ है, एक्सेल खोला हुआ है, या कोई गेम खोला हुआ है। मैं आपके सिंपल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, जो कंप्यूटर आप पीसी यूज़ करते हैं या लैपटॉप्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो भी चीज़ चल रही थी, अगर वो यानी कि आप जो भी काम उसके अंदर परफॉर्म कर रहे थे, देन उसके बाद क्या हो जाए, वो पावर्ड ऑफ हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाए, बैटरी से भी कोई अर्थ ना मिल रहा, यानी कि स्टैंड बाय पे ना हो, यानी कि बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाए। तो जब दोबारा आप ओपन करेंगे कंप्यूटर को, तो वो जाहिर सी बात है आपको रैम में नहीं मिलेगा, यानी कि वो एप्लीकेशन सब बंद हो चुकी होंगी। तो यानी कि जो एप्लीकेशन रैम में आई हुई थी, यानी कि जब आप प्ले करते हैं किसी भी वीडियो या कोई भी चीज़ आप प्ले करते हैं, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन आप रन करते हैं, तो क्या होता है, वो एग्जीक्यूट होने के बाद रैम में आ जाती है रॉम से। तो वो रैम से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट होगी। तो एक पॉइंट आपके पास ये है कि ये वॉलेटाइल है और टेम्प्रेरी स्टोरेज है, यानी कि टेम्प्रेरी आपके पास स्टोर होती है। देन उसके बाद आपके पास जो रॉम है वो क्या है, परमानेंट स्टोरेज है और वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है। तो परमानेंट स्टोरेज या नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी चले जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए तब भी उसके अंदर डाटा मौजूद रहेगा, डाटा कहीं भी नहीं जाएगा। जैसे यूएसबी आपकी एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज है, सीडी भी आपकी परमानेंट स्टोरेज है, इस तरह की सारी चीज़ें जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं जिसमें से डाटा लॉस नहीं होता, डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है, वो सारी क्या कहलाती हैं, आपकी परमानेंट स्टोरेज कहलाती हैं, या फिर क्या कहलाती हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। देन हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, रैम जो है बहुत एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू रोम, और रोम क्या होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर टू रैम। यानी कि रोम आपको जो है 16 GB, या आप हार्ड ड्राइव की बात करें अगर, तो 500 GB की आपको 4,000-5,000 रुपए की आपको हार्ड ड्राइव मिल जाएंगी, जबकि रैम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैम आपको 2,000 की 4 GB मुश्किल से मिलेगी, उस पर भी DDR1, 2, 3 डिपेंड करता है कि वो कौन सी DDR की है। तो इसलिए ये जो है रैम जो है आपकी एक्सपेंसिव है और रोम क्या है आपकी चीपर है। देन जो चीज़ एक्सपेंसिव है जाहिर सी बात है वो फास्ट होगी, ये फिनोमिना अक्सर डेफिनेशन पे पुट होता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इस तरह से याद करवा रहा हूँ कि अगर एक्सपेंसिव है कोई चीज़ तो वो फास्ट भी होगी। तो यानी कि उसका एक पॉइंट ये भी हो गया कि रैम क्या है, फास्टर है, और जो रोम है वो आपकी क्या है, स्लोअर है। देन उसके बाद आपके पास कुछ जो है यहाँ पे यानी कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं रैम के हवाले से। तो रैम की एग्जांपल आपके पास यहाँ मौजूद है स्टैटिक रैम, और दूसरी एग्जांपल आपके पास डायनामिक रैम। मैं इसकी सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट इसको डिफाइन करूंगा, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम को, क्योंकि इसका डिफरेंसेस आते हैं आपके मैट्रिक के अंदर भी, इंटर के अंदर भी, तो इसकी एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा मैं। और उसके अलावा मैं आपको ये डिफाइन कर देता हूँ कि ई रोम, डबल ई पी रोम या ई पी रोम ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आ जाता है ई रोम। तो इसको इसकी फुल फॉर्म है इरेजिबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजिबल रीड ओनली मेमोरी को क्या कर सकते हैं आप, एक दफ़ा प्रोग्राम कर सकते हैं और एक दफ़ा इरेज कर सकते हैं। यानी कि जब आपको एक दफ़ा प्रोग्राम करके दे दिए गई, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक ही दफ़ा जो है क्लियर कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं आप ई पी रोम के ऊपर, यह है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को आप क्या कर सकते हैं, यूवी रेज या सनलाइट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यानी इसके डाटा को क्या कर सकते हैं, आप वाइप कर सकते हैं, किस तरह, इस लाइट की मदद से, यूवी लाइट की मदद से, यानी उस रेज की मदद से। इस ड्राइव के ऊपर एक छोटी सी जगह दी हुई होती है जहां से आप सनलाइट या कोई भी रोशनी जिसकी मदद से आप उसको डाटा को क्लियर कर सकते हैं उस रोशनी की मदद से। देन आ जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
आप इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें कोई भी डाटा अगर आपको रिमूव करना होता है तो आप चार्जेस की मदद से करते हैं, यानी कि आप चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स भेजते हैं जिसकी मदद से क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू सारा काम हो रहा होता है और आप क्या करते हैं डाटा को क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।